तो भाइयों एक वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो आप सभी ने देखी भी है और बहुत तरीके से शेयर भी कर रहे हो, क्षत्रिय भी शेयर कर रही हैं, वो जाहिल वो अनपढ़ भी शेयर कर रहे हैं जिनको इतिहास नहीं पता। तो भाइयों एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हिमाचल डूब गया, पंजाब डूब गया, दिल्ली तक डूब गई, लेकिन एक मंदिर नहीं डूबा और वो मंदिर क्षत्रिय धर्म के सपूत पांडवों के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय सेन राजपूत वंश के राजा सिद्ध सेन ने 17वीं सदी में बनाया था। तो भाइयों सेन राजपूतों की मंडी और सुकेत रियासत है, वहां पर एक मंदिर है, आप खुद देख सकते हो कि उनके द्वारा राजपूत काल में जो मंदिर बनाया गया है वो नहीं डूबा, लेकिन बाकी हर कुछ डूब गया, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म के सपूत है, ये हमेशा न्याय करते थे और जो भी चीजें बनाते थे उनकी विरासत हजारों सालों तक रहती थी। जो भी पानी के समान जो भी दिख रहा है वो सब डूबते जा रहा है, लेकिन 300 साल पुराना मंदिर ना डूबा। आज की दोगली सरकारों द्वारा जो करप्शन करके 100 साल पुराने या 50 साल पुराने या 20 साल पुराने जो चीज़ें बनाई गई थी वो सब डूब गई। ये होता है क्षत्रिय और तुम में अंतर। इतिहास आज भी फिर भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम क्षत्रियों का ही अपमान करोगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते रहें।